सब्सक्राइब कीजिए पेटीएम अर्निंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अर्निंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पेटीएम अर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑफर बताऊंगा जिस ऑफर से आपके पर अकाउंट जो है आपको 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके लिए ना ही तो दोस्तों आपको कोई रिचार्ज करना है, ना ही तो आपको कोई बिल पेमेंट करना है। दोस्तों, सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड उस एप्लीकेशन से आपको जो है 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है TMW द मोबाइल वॉलेट। अगर आप भी इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और 30 रुपीज़ पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो बने रहिएगा आप इस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा पूरे प्रोसेस के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी इस एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं अपने पेटीएम अकाउंट में तो आपको इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आपको इसे वहां से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप लोग इस एप्लीकेशन को किसी भी टाइम डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन साइनअप जो है आप उसी टाइम कीजिएगा जो टाइम आपको जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, आपको उसी टाइम जो है इस एप्लीकेशन में साइनअप करना है। दोस्तों, एप्लीकेशन को आप जब चाहें जब डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम दिया गया है आप उसी टाइम जो है दोस्तों इस एप्लीकेशन को जो है साइनअप कीजिएगा, तभी आपको 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में मिलेगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में क्या होता है, इन्होंने अपने जो है एक टाइम फिक्स किया हुआ है, जो भी बंदा उस टाइम पे इनकी एप्लीकेशन में साइनअप करता है तो ये उन्हें 30 रुपीज़ पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। दोस्तों, इस टाइम जो इन्होंने अपना टाइम सेट किया है वो है दोस्तों रात की 8 बजे से रात के 12 बजे तक। अगर आप रात के 8 बजे से रात के 12 बजे तक इनकी एप्लीकेशन में साइनअप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों आपको जो है 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये टाइम चेंज होता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टाइम भी दे दूंगा, आप एक बार जो है जब भी साइनअप प्रोसेस अपना कंप्लीट करने जाएं तो एक बार जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर कर लें। इसलिए दोस्तों कभी आप अपना पेटीएम कैश 30 रुपीज़ मिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको इसे वहां से डाउनलोड कर लेना है। उसका दोस्तों जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। जब आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे उसका दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड OTP का। जब आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, सिंपली आपको वो OTP फिल कर देना है। उसका दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा साइनअप का, ब्लू कलर से लिखा हुआ है। जब दोस्तों आप साइनअप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर देना है एंड आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड दोस्तों इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स का। सिंपली आपको दोस्तों इसमें अपना कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसमें दोस्तों बहुत से ऑप्शन आते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, आपको जो है दोस्तों वहाँ से कुछ भी चूज़ कर लेना है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो। उसका दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नंबर देना होगा एंड दोस्तों नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रेफर कोड का। तो दोस्तों आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक रेफर कोड शो हो रहा होगा एंड ये रेफर कोड में जो है दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सिंपली आपको इसे वहाँ से देखने के बाद इसमें फिल कर देना है। जब दोस्तों आप यहाँ पर रेफर कोड दे देंगे उसका आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं कि रेफर कोड दोस्तों ठीक है या गलत। दोस्तों, जब मैं रेफर कोड दूंगा वो ठीक ही होगा, आप उसे बिल्कुल आसानी से इसमें डाल दीजिएगा एंड आपको जो है दोस्तों 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश मिल जाएगा। उसका दोस्तों जब आप इसमें रेफर कोड डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है एंटर MPIN। दोस्तों आपको जो है अपना MPIN सेट करना है 4 से 6 डिजिट का। जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों आपको जो है MPIN मांगा जाएगा, जब आप MPIN दे देते हैं सही तो तभी आप इस एप्लीकेशन में ओपन हो पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे अपना कोई भी 4 डिजिट से लेकर 6 डिजिट तक का कोई भी यहाँ पर MPIN सेट कर सकते हैं, तब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको जो है वो MPIN देना होगा। दोस्तों आपको यहाँ से अपना कोई भी एक MPIN चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ सेकंड इंटरफेस ओपन होएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है सिक्योरिटी पैटर्न। दोस्तों आपके सामने बहुत से एनिमल के ये जो है पिक्चर्स आ रही हैं, तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर कोई भी एक एनिमल की पिक्चर जो है चूज़ कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको जो है कोई भी एक कलर चूज़ करने को बोलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ से कोई भी एक कलर चूज़ कर लेना है जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ पेटीएम कैश कैसे मिलेगा एंड आप उसे रिडीम कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं TMW एप्लीकेशन की ओर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का दोस्तों जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है इस एप्लीकेशन में साइनअप करते ही रिवार्ड पॉइंट जो है दोस्तों वो 50 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं एंड ये इक्वल होते हैं दोस्तों 2.5 रुपीज़ के, 2.5 रुपीज़ के इक्वल होते हैं 50 रुपीज़। जब दोस्तों आपके अकाउंट में जो है 100 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप उन्हें अपने पेटीएम अकाउंट में भी रिडीम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश कैसे मिलेगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है वो 30 रुपीज़ का है। मैंने जो है दोस्तों कल इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था तो जो है मुझे अभी दोस्तों इसका जो है 30 रुपीज़ जो है मुझे इस एप्लीकेशन में मिल गया एंड दोस्तों मैं 1 सेकंड के अंदर ही इसे जो है रिडीम कर सकता हूँ अपने पेटीएम अकाउंट में।
तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कार्ट का। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दो ऑफर आ रहे हैं, ऑफर्स और कार्ट। सिंपली आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर कार्ट का, जब दोस्तों आप कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिवेट कार्ड। ऊपर में दोस्तों लिखा हुआ है एक्टिवेट कार्ड, आपको जो है दोस्तों इस एप्लीकेशन में एक वर्चुअल कार्ड मिलेगा, जिस दोस्तों कार्ड के थ्रू जो आप अपने पेटीएम में जाकर जो है इस एप्लीकेशन में जितना भी आपका बैलेंस होगा वो अपने पेटीएम अकाउंट में ऐड कर पाएंगे। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ का, जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आपको एक टिक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जो है दोस्तों अपनी आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे में दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ईमेल, सिंपली आपको यहाँ पर अपनी कोई भी एक ईमेल दे देना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है एक्टिवेट योर कार्ड। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका एक जो वर्चुअल कार्ड है TMW वॉलेट का, वो आपका एक्टिवेट हो चुका है। एंड दोस्तों उसमें जो है आपको कार्ड में अपना पूरा कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, CCV वगैरह दोस्तों उसकी जो भी आपके किसी भी बैंक का ATM कार्ड होता है सेम उसी तरह आपको जो है इसमें एक दोस्तों TMW जो एप्लीकेशन है इसका आपको एक वर्चुअल कार्ड देखने को मिल जाएगा। एंड इस एप्लीकेशन में जो है दोस्तों आप अपना पेटीएम में जो है इस एप्लीकेशन का बैलेंस होता है वो अपने पेटीएम अकाउंट में ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे अकाउंट में जो है 30 रुपीज़ जो है अब मैं उन्हें अपने जो मेरा दोस्तों पेटीएम का अकाउंट है मैं इसमें इन्हें कैसे रिडीम करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना पेटीएम ओपन करना है, जैसे जैसे दोस्तों मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ सिंपली आपको ऐसी ऐसी स्टेप फॉलो करना है एंड तभी आपको जो है 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको जो मेरे TMW वॉलेट के जो बैलेंस है मेरे 30 रुपीज़ हैं वो मैं दोस्तों आपको अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड करके दिखा देता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको जाना है पासबुक वाले ऑप्शन पर, पासबुक वाले ऑप्शन पर नहीं, आपको जाना है ऐड मनी वाले ऑप्शन पर। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं आपको जाना है ऐड मनी वाले ऑप्शन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जो है अमाउंट में यहाँ पर देना है 30 रुपीज़ एंड दोस्तों उसके बाद आपको जो है ऐड मनी पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंप्लीट योर पेमेंट का। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर दोस्तों चूज करना है डेबिट कार्ड का। जब दोस्तों आप डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज करेंगे तो आपसे जो है दोस्तों जो डेबिट कार्ड है उसका कार्ड नंबर मांगा जाएगा एंड उसकी CCV मांगी जाएगी। दोस्तों सिंपली जो मेरा TM वॉलेट का जो मैंने आपको दोस्तों कार्ड दिखाया था आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो TMW वॉलेट का जो मेरा दोस्तों कार्ड है, आपको इसी कार्ड की जो दोस्तों अपना कार्ड नंबर है CCV वगैरह जो है यहाँ से कॉपी कर लेनी है। उसको देखने के बाद जो है दोस्तों अपने जो पेटीएम में दोस्तों आपसे मांगेगा आपका कार्ड नंबर आपकी CCV वगैरह बैलेंस ऐड करने को, तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर वो उसी कार्ड की जो है CCV और कार्ड नंबर दे देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना CCV और कार्ड नंबर दे देता हूँ TMW वॉलेट के डेबिट कार्ड का। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो TMW वॉलेट का जो मेरा दोस्तों वर्चुअल कार्ड है मैंने जो है यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल दे दी है। उसका दोस्तों मेरा जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पे नाउ का, सिंपली दोस्तों आपको भी पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसका दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन वो अभी प्रोसेसिंग में है एंड जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो दोस्तों मुझे जो है 30 रुपीज़ का जो पेटीएम कैश है TMW वॉलेट में जो दोस्तों मेरा बैलेंस था वो मेरे पेटीएम अकाउंट में ऐड हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आपने अपना वहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ उस नंबर पर एक OTP जाएगा। तो जैसे दोस्तों आप अपने किसी बैंक अकाउंट से बैलेंस ऐड करते हैं तो जो भी दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ होता है उस पर एक OTP आता है। दोस्तों आप लोग ऊपर में देख सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है, सिमिली मैं वो OTP यहाँ पर फिल कर देता हूँ 4876775। उसका दोस्तों आपको सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि मुझे जो है 30 रुपीज़ मेरे पेटीएम वॉलेट में मिला या नहीं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे अकाउंट में जो है 30 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं एंड दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर पेटीएम वॉलेट 30 रुपीज़ एडिड सक्सेसफुली। दोस्तों मेरे अकाउंट में 30 रुपीज़ का जो मुझे पेटीएम कैश है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में मिल गया है। अगर दोस्तों आप भी 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा TMW एप्लीकेशन का। एंड दोस्तों वहाँ पे जो टाइम दिया है आपको उसी टाइम पर इस एप्लीकेशन का जो साइनअप प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, तभी जो है दोस्तों आपको 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश मिलेगा। एंड दोस्तों अब आपको पता लग ही गया होगा कि आपको 30 रुपीज़ का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में मिल रहा है TMW वॉलेट एप्लीकेशन से। दोस्तों आपके पास मौका है, आपके पास जितने भी अकाउंट है आप उन सब अकाउंट में 30 रुपीज़ का जो पेटीएम कैश है वो दोस्तों लूट सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिएगा एंड गुड बाय।